अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, दर्दनाक वाकया। मैं अपनी एक शूटिंग में बिजी था। मेरा एक दोस्त जो कि इकलौता बेटा है अपने माँ बाप का, मुझसे कहने लगा कि हमारे एक डॉक्टर हैं, फी सबीलिल्लाह लोगों का इलाज करते हैं। मैं अपने वालिद साहब को उनके पास लेके गया। मेरे वालिद साहब के सर में दर्द थी। उन्होंने डायग्नोज किया है कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। वो अकेला मुझसे कहने लगा कि इमरान मेरी मदद कर दे यार, मैं कल मैं की करांगा। मैंने शूटिंग कैंसिल कराई, सारे काम रोके, भागता भागता लाहौर आया। यहाँ पे डॉक्टर जो मैं चाहता था वो अवेलेबल नहीं थे। उनको फ्लाइट में बिठाया, कराची ले गया। उनके टेस्ट हुए तो पता चला कि उन्हें कुछ भी नहीं, डिस्प्रिन से ठीक हो गए वो। मैंने कहा कौन है डॉक्टर, मेरी बात करो डॉक्टर साहब से, किस बेस पे उन्होंने डायग्नोज किया था। मैंने उन्हें फ़ोन किया, अगर डॉक्टर साहब ये कोई हरकत है करने वाली, वो इकलौता बच्चा है, अपने माँ बाप का आपने परेशान कर दिया, उसको डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया, आपने कहाँ से डॉक्टरी पढ़ी है। कहते हैं मेरे पास डिग्री है GS की, PhD इन GS। मैंने कहा जी वो क्या है। PhD इन गूगल सर्चिंग सिम्टम्स। खुदा का वास्ता है, मेरी मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की पूरी आवाम से ये दरख्वास्त है, गूगल से मत पूछें, गूगल से सिर्फ रास्ते पूछें, इलाज बीमारी और डायग्नोज किसी पक्के सच्चे और अच्छे डॉक्टर से कीजिए। मजाक रात में। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, और आपके आपके और आपके इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। शेरा ममान खामो आए। मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और आए प्यार से यहां से ले जाया जाए। मजाक रात की हमेशा से ये कोशिश होती है कि मजाक रात एक प्लेटफॉर्म है जिसे आजकल बल्कि हमेशा से ही पूरा पाकिस्तान पसंद करता है, देखता है और एक खास प्लॉट अपने दिल में दे रखा है। और अगर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और वो प्लेटफॉर्म नए आने वाले टैलेंट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं है। आज भी एक जबरदस्त टैलेंट हमारे पास मौजूद है, अर्शी ब्रदर्स, प्लीज आइए। माशाल्लाह बाजी, तुसी भी कहंदे हो कि बूट वड्डे पाए सड़क बनांदे हो। दिल पे जख्म खाते हैं जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं जान से गुजरते हैं, जुर्म बस इतना तुमको प्यार करते हैं, एतबार बढ़ता है और भी मोहब्बत का, जब वो अजनबी बनकर क्या बात है पाजी, दस्ताने तुसी नाल गाने दी तारा लाउंदे।
ਤੇ ਭਾਜੀ ਜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਦਿਨੇ ਪਾ ਲਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਵੱਡੇ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲਾਗ ਪਹਿਲੇ ਬੂਟ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ये क्या कहते हैं आप लोग ये जो लोग खुद साख्ता डॉक्टर्स बने बैठे हैं जी जी और गूगल पे बीमारी लिखते हैं और उसका इलाज ढूंढ के अद्वियात का इस्तेमाल खुद करवाने लगते हैं इनके बारे में क्या ख्याल है आपका इमरान भाई जेड़ा खबर लैन आया हुंदा 30 मशवरे ते ओते दंदा बंदे नु सही बात है ये सही कह रहे हो जी जेड़ा पता लैणा दे वो अक्सर एहो जे मनूस ही हुंदे ने मैं कितने बीमार होया सा मंगल वाला दिन मंगल वाला दिन ही पारा होंगे जेने देसी लोग आते ना खबर लैनी मरीज नूं अद्धा डरा देंदे ने आप आके ओ की होया बस पार टुरिया नहीं जांदा चल बथेरा टुर लिया हुण की करना हमारी आज की मेहमान हमारी आज की मेहमान पाकिस्तान के लिए काबिले इज्जत है एक हिट नहीं दो हिट नहीं तीन हिट नहीं लाता दाद हिट सुरों की बात की जाए तो ऐसे जैसे अजीबो गरीब किस्म की महारत है सुरों पर उबूर है ऐसे जैसे कुछ सुर तो इनके ताबे हैं इनसे पूछते हैं कि मैं किवें लगा हाय 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 डेकेड्स पे इनका करियर मुहित है असासा है हमारे मुल्क का पाकिस्तान को बहुत सर्व किया पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बहुत सर्व किया तब भी हिट थी कुछ अरसा पहले भी हिट थी आज भी हिट हैं बल्कि सुपर हिट हैं और हमेशा सुपर हिट रहेंगी आप लोगों की ढेर सारी तालियों में शी इज अ लिविंग लेजेंड शाजिया मंजूर जी रख दी वे दीवा भले सारी रात मेरे मानिया दीवा भले सारी रात कानू मैनू तंग करना है वे कानू मैनू तंग करना वेखा रस्ता मैं सारी सारी रात मेरे हानिया दस दाली दिल वाली बास मिल के दफा बत्तियां बुझाई रख दी वे बत्तियां बुझाई रख दी वे दीवा भले सारी रात मेरे हानिया दीवा भले सारी रात बत्तियां भावें बलन ना बलन हमारी हमारे पूरे मुल्क की ये दुआ है कि ये जो रोशन दिया है ये इसी तरह से चलता रहे और हमारे पूरे माशरे में रोशनी आपके बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ रखिए एक जोरदार तालियों से इस्तकबाल शाजिया जी दुनिया न्यूज़ की तरफ से इतने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे यहाँ मौजूद हैं हमारे नाज़रीन सामाईन इनकी तरफ से इमरान अशरफ की तरफ से पूरे पाकिस्तान की तरफ से वेलकम टू मज़ाकरा थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच मैं तुझे बहुत शर्मिंदा कर क्यों मैं ऐसा की कीता मैनू कहंदे ने ना जमीन ते बैठने वाला बंदा जब उत्ते बैठ जावे ना थोड़ी देर से कच्चा जरूर होंदा ते मैं वो आज इस मस्कीन औरत है कि जेड़ी जमीन ते बैठ के बहुत हैप्पी रहंदी मैं कहन लगी सा मैं तुहाडी सारेयां दी बहुत वड्डी फैन हां थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी और ये जो बच्चे आए हुए हैं
इनके माँ बाप गाने सुनते रहे, वैसे तब मैं छोटी होती थी तो... वेलकम टू मजाकराचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत देर बाद फिर आपके दीदार हुए, हमें भी और ऑडियंस को भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, और आप तो बाल भी बढ़ा लिए हैं आपने। पहले तो इंज लग रहा सी मैराडोना गोल करके आया। अखियां चखियां पाके दिता कील, और मैं नील कराइया नील का, मेरा तन मन नीलो नील। ये वो गाना है जिसमें मेरा ख्याल है पूरा बर्रे सगीर झूमा है। हाँ जी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका जिक्र हो, जिसने ये गाया वो यहाँ मौजूद हो और वो जरा गुनगुनाए ना, ऐसा कैसे हो सकता है? आपसे दरखास्त है जरा नील कढ़ाइयां नील। आप सबसे इजाजत के साथ, तुसी इजाजत ना ही मंगो, जिन्ने ताकतवर हो तुहानू सब तों इजाजत है। सर्व किया आपने कंट्री को, आपको क्या लगता है जिस पेडिस्टल पे आप हैं, क्या आपके साथ इंसाफ हुआ है, आप खुश हैं? देखें, बात यह है कि जिसने अता किया है वही इंसान के लिए मुहाफिज भी है। तो मैं ये समझती हूँ कि जितनी मेरे हिस्से की इज्जत थी अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे नसीब में लिखी हुई थी, और आप जो प्यार करने वाले बच्चे हैं बच्चियाँ यहाँ बैठे हैं इस वक्त, इन लोगों ने जितना प्यार दिया है, मैं थर्ड जनरेशन है मेरी, मैं जब ये थर्ड जनरेशन मीन्स 30 इयर्स हो गया मुझे गाते हुए, खबरदार किसी ने मर्द अंदाजा लाया। ये थर्ड जनरेशन है मैं जिसमें गा रही हूँ, और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में इज्जत देने वाले लोग भी हैं और इज्जत करने वाले लोग भी हैं, ये सामने बैठे हैं आपके, और ये पीछे बैठे जिनके साथ मैंने काम किया है ये लोग बैठे हैं, और जाहिर बात है ना, अम्मी अबू तो है ही नहीं, ए, कोई होएगा ना कोई ना कोई ते विच क्रश भी होएगा विचो। आप पे तो बहुत लोगों को क्रश होगा, इनको भी है, ये भी मुझे सुबह बता रहे थे। अच्छा, आपने बता दिया इनको? चाचू बोल क्यों नहीं रहे, सांप सोंगे। हमारे आपने आज एक बात नोट की होगी जी, कि एक कमी सी है हमारे शो में, हमारे डीजे ऑन मौजूद नहीं हैं अभी तक, वो सिर्फ इसलिए कि उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ढेर सारी तालियां बजाएं उस शख्स के लिए जो यहाँ से गया, ड्रिप लगवाई और उन्होंने कहा कि मैं शो नहीं छोड़ूंगा, वो आ चुके हैं डीजे ऑन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं उन साहब, तबीयत कैसी है अब? अल्हम्दुलिल्लाह, बस बेटर। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मुझे शक पड़ा, अमानत आ गया। सागर रोए, हाय, लहरें शोर मचाएं, मचाएं। ये वो चाबी है जिससे आपके करियर का ताला खुला। सागर रोए, लहरें शोर मचाएं, याद पिया की आए नैना भर आए, वाह, रोए
कली कली को प्यार जता। क्या कहने, वाह। मस्त बना के दूर कहीं उड़ जाए याद पिया की आए। ये बात क्या कहने, क्या आपको अंदाजा था कि शाजिया मंजूर एक चंचल सी हस्ती मुस्कुराती शरारती सी लड़की इतना गहरा गाना गाएगी गुनगुनाएगी तो नसीब ऐसे खुल जाएगा, अंदाजा था? एक्चुअली मैं स्कूल से ही गाती थी। अच्छा। जब मैं EMI गई सा जदों करन वास्ते ऑडिशन ते बख्शी वजीर साहब जदों हौली जई लैना मेरा नाम मैं था मर जानिया मैं था मर जाए हाय मैं जदों हौली सुनिए तू हुक मेरी सुन कदी कूक वे क्या बात सुन कदी कूक वे मेरे नाल हो जाया करना सलूक वे जिंदरी मलूक एवी कुट के ना फड़ मेरी मैं था मर वहाँ मैं गई बड़ी डरती डरती एक्साइटेड भी थी ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में थी जहन भी इतना मैच्योर नहीं था मैं गई हूँ तो मैं बख्शी घर वालों को बता के गई नहीं नोबडी नोज क्यों अलाउ ही नहीं करना था उन्होंने गाने के लिए मुझे बहुत अच्छी तरह पता तो घर क्या बताया कहां जा रही है ये थी कि आई वाज एंगेज्ड एट दैट टाइम अच्छा या तो मुझे पता था कि आगे गाने तो देंगे नहीं जो भी हुंदा उन्हीं कर लो अबे मैंने पैसे पूसे चुराए गई वहां पे कितने पैसे चुराए 500 कहां से अम्मी के कहां पड़े थे अलमारी हुन भी उठे ही हुंदे ने अम्मी ते दुनिया च रहे नहीं ते खैर वो पैसे मैंने चुराए 500 रुपए उस वक्त चोरी करते हुए दिल नहीं धड़का नहीं मैं अपने गोल के लिए चोरी कर वो चोरी नहीं थी मुझे जो अचीव करना था उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती ओए खैर जी वहाँ पहुँचने के बाद बख्शी वजीर साहब ने कहा जी बेटे आप भी आई हैं कैसी हो ठीक हो मैं कहा जी आ गई हो घर वालों ने इजाज़त दी मैं कहा हाँ मैं चलो सुनाओ तो मैंने उस वक्त उनको सुनाया था तुम्हारी आरज़ू में कूचा है कातिल तक आइए ना आइए ना सुनाइए तुम्हारी आरज़ू कूचाए कातिल तक पहुँचे चले आओ चले आओ के हम तो आखरी मंजिल तक मैंने ये गाना शुरू किया और मेरी आदत थी आंखें बंद करके खैर जब मैंने सुनाया मैंने आंखें खोली सारे रो रहे थे अच्छा यकीन करें उस समय मुझे यही लग गया मैं क्या कोई काम खराब हो गए मैं तो सिलेक्ट हो नहीं हूँ तो बख्शी साहब अल्लाह जन्नत सेव करे उन्होंने वजीर साहब वो भी बैठे से तो कहते ने पुत्र बहुत अगे जाएंगे तो फिर उन्होंने मैं गाना दिता से मैं सुनाया था जरा सागर रोए लहरे शोर मचा अरे वाह वाह फिर मैंने वो गाया वो उन्होंने मुझे उसमें ऐड कर लिया और उसके बाद वो कहते हैं ना पीछे मुड़ के देखने के लिए सिर्फ एक छोटा सा है जब घर पे लेटर आया कि आई एम सिलेक्टेड तो हाथ भी उसके लग गया जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा फितना था ऊपर से उसने और जिस तरह वो निकाल के पढ़ा तो मुझे लगा कि ये मेरा ही लेटर है उसके ऊपर लिखा हुआ था यू आर सिलेक्टेड फलां फलां डेट पे आपने आना है तो हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे बस उसके बाद वही वाला साहब चोर मिल जाते जितना मर्जी दिल कर चपेट मारो इतना मारा मुझे कहा हूं जाएंगी मैं कहा हूं जिनी पानी हिंद पै गई मैं तू जाएंगी जी हाँ आई तो उन्होंने थक जाना
तो फिर तू करना की चाहनी? मैं मैंने एक गाना कर दो। कहते अच्छा चल एक गाना कर ले, उसके बाद आगे नहीं कर रही। मैं चलो ठीक है, एक एक गाने तो बाद फिर जाएंगे। मैं पहले हो वहाँ फिर दसा बस। वहाँ से स्टार्ट लिया, फिर उमर शरीफ साहब की नज़र में आगे वजाहत अतरे साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मुझे इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने इंडस्ट्री में। उनकी मेहरबानी है, मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर उसके बाद चल सो चल, और मैं आप सब लोगों की और ख़ास तौर पर ज़ात बारी ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बात अब तक बनी। सरदार साहब भी अखा बंद करके गाँव से एक एक जगह गाँव गए ने, अखा बंद की थी, कल ही गा रहे सन, बाकी निकल गए सन। अच्छा अच्छा कलियां गुजारा कि मैं रात कालियां 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 डंग दिया मैनू रुता प्यार, प्यार वाली जरा जे हल्का जिया साडे लई। जिस तरह ने इस बंदे ने गन फड़ी, मेरे को जो मर्जी सुन लो। कलियां गुजारा डंग दिया मैनू रुत प्यार वालियां, तेरे बाजो जी नहीं लगदा मैं ते मर गई था। अज सोने घर अज सोने अज सोने ताने देंदियां हसे हसे दे विच मैनू कमली कहंदियां। ओ तेरे बाजो जी नहीं लगदा मैं ते मर गई अज सोनिया घर अज सोनिया अज सोनिया घर अज सोनिया तूने क्या किया है? है? मैंने वो किया जो मेरा दिल किया। मैडम मैं शदीद किस्म का आपका फैन हूँ, लेकिन मैंने कुछ लिखा है मैडम, तसल्ली तसल्ली दोबारा तसल्ली अच्छी लग रही है दोबारा, क्या मन मजा आ रहा तसल्ली सिर्फ चार लफ्जों का मजमुआ नहीं, अपनाइयत के एहसास का नाम है। अच्छा अच्छा। जो किसी के दिल से गम कम कर देता है। आप भी जब किसी को टूटा हुआ देखें या बिखरा हुआ देखें तो उसे तसल्ली दिया करें, क्योंकि ये डूबने वाले के लिए तिनके का काम करती है। एना नो सीरियस ले आए कि मजाक से? बाजी मैंने एक शेर लिखा है बहुत खूबसूरत, जख्मे दिल को तसल्लियां दे दो। अच्छा दे दो। ओए हो। मेरे फूलों को तितलियां दे दो जिनसे उम्मीद ना टूट पाए, मुझको ऐसी गवाहियां दे दो कोई तीसरा ही ना आ जाए दरमियां, कर आ जा सोनिया कर आ जा सोनिया। हाय 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 जुत्ती लावा सोनिया। मैडम बिग फैन, थैंक यू। और एक खूबसूरत आवाज के लिए आपके लिए एक शेर लिखा है मैंने, शहद कानों में घोलती आवाज। अच्छा। हमने हर जा सुनी तेरी आवाज, क्या बात। गीत तेरे मेरी सकाफत है, मेरी पहचान है तेरी आवाज, ये आवाज देती है दिलों को जोर, बिछड़ मेरी बीणी ना मरो। दिल दिल
टूटा? बिल्कुल, एक इंसान होने के नाते आपका बहुत दफ़ा दिल टूटता भी है बहुत दफ़ा, क्योंकि एक बात हमेशा मैंने जो निचोड़ निकाला है, मेरा अपना एक तजुर्बा है, सुख थोड़ी देर के लिए होता है, क्या वाह, दुख आपका साथी है, वाह, वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो जो पहली दफ़ा दिल टूटा और जो पहली दफ़ा दुख मिला वही आज तक साथ है? जो न मिल सके वही वे, ये बड़ी अजीब सी बात, जो चला गया मुझे छोड़ कर वही आज तक मेरे साथ है। धोखा मिला कभी? रातां वे कालियां रातां, लाइयां बरसातां माया, क्या बात, ओ रातां वे कालियां रातां अखियां, लाइयां बरसातां माया, यादा तेरिया मैनू पाण केरिया, दस वे सोने नजरा क्यों फेरिया, प्यार में पाके तेरे नल लाके रोग लिया मैं ला माया। एतवार कितनी दफा टूटा? इस पे आपको अपनी एक अस्थाई सुनाती हूँ। किस किस गल दा शिकवा करेगा दिल जई चीज लेके मुकर जांदे ने लुकी अजकल, तू बदल गया सजना, असी नहीं तेरे वांग बदले वे। संजय जी, इतने ब्लॉकबस्टर गाने, एक से एक बढ़के, एक से एक बढ़के, इन सब में से आपका स्पेशल कौन सा फेवरेट? फेवरेट मुझे मेरी एक बड़ी अजीब सी आदत है, पता नहीं शायद मुझ में है या बाकी लोगों में भी होगी, मैं अपना गाना बहुत कम सुनती हूँ, लेकिन मुझे जो बहुत पसंद है, मैंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब की एक फ़िल्म की थी पाकिस्तान में, उन्होंने पहली एक ही फ़िल्म की थी पल दो पल, उसका एक गाना मैंने और तहसीन जावेद साहब ने, सजना तेरे प्यार में इंतजार में हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे, सजनी तेरे प्यार में इंतजार में हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे। यक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? यक तरफा मोहब्बत का भी अपना ही लुत्फ है, अपना लुत्फ है, अपने आप में जलते हैं, अपने आप में कुड़ते हैं, अपने आप से सवाल करते हैं, खुद ही उसका जवाब देते हैं। क्या बात है। तो कुछ यक तरफा मोहब्बत में सुनाना चाहेंगे आप? जीवे नदी ना किनारे, मेरा ही क्या कहने, जीवे अम्बरा ना तारे, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਜਣਾ, ਵਾਹ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਜਣਾ, ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਜਣਾ। ओए, 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 ओए।
अज बैठी है गला सवारन डी है अपने लोग मैं भी एडी सुरीली हो जावा मुश्किल है बहुत मुश्किल है ना गौर कर छड़ दफा कर तू अदर ध्यान कर नहीं ना रो रही है जरूरी है बुलाओ यार बुलाओ लाओ यार इसको लाओ लाओ आ जा तू आ जा भाई आ जा तू टेक नहीं बंदी शाजिया मंजूर जी द स्पॉट माइक लाइट एंड स्टेज इज ऑल योर्स प्लीज कम वे जज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जज तो मैं तेरी वे जानिया सौखानिया तेरे जया दूजा मैनू नहीं लभना वे जज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जज अज तो मैं तेरी तेरे जे महबूब ते हीरे मिलदे मुश्किल ना मेरे वेख नसीब के मैनू हीरा जो लभ गया ला क्या कहने मेरे वेख नसीब के मैनू हीरा जो लभ गया ला बेजानिया सौखानिया तेरे जया दूजा मैनू नहीं लभना वे जजा जी तो मैं तेरी तू मेरा ऑडियंस अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप अल्लाह का शुक्र ठीक आप कैसे हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने नाम अलीना क्या करना है जिंदगी में शादी The most fair answer. क्या कहना चाहती हो? मैं मैम शाजिया से बात करना चाहती हूँ जी जी. मैम शाजिया आपकी स्किन इतनी प्यारी है आप कौन से स्किन केयर फॉलो करती हैं? ऑर्गेनिक नो केमिकल ओहो क्या बात अच्छी क्या बात थैंक यू वेरी मच अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ फ्रेम लगा के दिखाओ कुड़ी पढ़ के ये जने अखा मत्थे ते रख लिया ओए होए क्या जबरदस्त फ्रेम है भाई थैंक यू सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि आप दोनों कैसे हैं मैम शाजिया और सर आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र आपकी दुआएं मैम आप करोड़ों दिलों की रौनक हैं तो आपको आज अपने सामने देख के बहुत खुशी हो रही है अरे क्या बात क्या बात नाम बताएं किरण रजाक क्या कहना चाहती हैं मैं शेर सुनाना चाहूंगी एक सुनाइए इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं जागती आंखों के भी कुछ ख्वाब हुआ करते हैं हर कोई रो के दिखा दे ये जरूरी तो नहीं हर कोई रो के दिखा दे ये जरूरी तो नहीं खुश्क आंखों में भी सैलाब हुआ करते अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप मैं आपके सामने हूँ आप बहुत प्यारे हैं रियल लाइफ में क्या मतलब टीवी पे सही नहीं लगता आज आपको पहली दफा देखा ना यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने हैं यकीन कीजिए अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये देखिए आपका नाम तैयबा जावेद तैयबा क्या कहना चाहती हूँ आपके लिए पोइट्री आपको डेडिकेट करना चाहूंगी प्लीज कीजिए ये मंजिलें ये रास्ते मेरी हर दुआ तेरे वास्ते ये सुकून भी ये करार भी क्या हुआ रोना आ गया क्यों रो रही शेर भूल गए शेर भूले क्या हुआ इमोशनल हो गई इमोशनल बोले चल सुना दे बोले ये मंजिलें ये रास्ते मेरी हर दुआ तेरे वास्ते ये सुकून भी ये करार भी मेरा मान भी तेरे वास्ते कभी गम ना तेरे करीब हो तुझे हर खुशी नसीब हो मेरी इल्तिजा तेरे वास्ते मेरी हर सदा तेरे वास्ते अरे लंगर सबको मिलेगा लेकिन आस्ते आस्ते खुश रहो तैयबा आप भी खुश रहे और ऐसे नहीं रोते कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे सामने रोते नहीं इन जैसे खूबसूरत लोगों को मिलके तो बंदा मुस्कुराता है मैं मुस्कुरा ही रही हूं लेकिन मुस्कुरा रही हूं लेकिन ये खुशी के आंसू थे
अरे कोई भी आंसू ना आए आपकी आंख, खुशी भी आए तो लबों में आए, आंखें चमकने लगे लेकिन उनमें आंसू ना आए। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर आपकी तारीफ करनी थी, आप पाकिस्तान का असासा हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपकी एक्टिंग माशाल्लाह बहुत रियल लगती है, ऐसा नहीं लगता कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, उसके अंदर इतना ज़्यादा बह के आप एक्टिंग करते हैं ना, तो मज़ा आ रहा है, हमें ऐसा लगता है कि रियल में हमारे सामने कोई कर रहा है। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत आपके काम को सराहने के लिए एक ये मैंने छोटा सा तोहफा आपके लिए बनाया है। अरे वाह, अरे मैं आता हूँ, अरे क्या बात है, वैसे अभी खोल के दिखाएं। बल्कि आप आ जाए, आप इधर ही आ जाए, आप आए आए तो शरीफ तालियां यार, हम आप बताने हैं मैंने की हूँ, आ जाए आ जाए आ जाए। अरे ये तो बड़ी खूबसूरत, अरे शरीफ रखे सर, रात को ही बनाया आपके लिए, आपने खुद बनाया है? हाँ तो मैं भी दिखाता हूँ। पहले तो ये तस्वीर देखें जरा, भाई की तस्वीर तो चेक करें। अच्छा भी डब्बे जी जो कुछ भी है जेड़ा उन्होंने तो चौकीदार खड़ा किया है। आपके जो कुछ कैरेक्टर्स मेरे फेवरेट है ना, उसकी पिक्चर्स इसमें, इसको मैं कैसे, अच्छा रील है ये? अच्छा जी ये रील है, ओ मजाक रात, इमरान अशरफ, सारा खान और इमरान अशरफ मुरीद, नमक हराम। अरे वाह, मैं कहना दो गाने शादी मंजूर दे पा के फिल्म रिलीज करी। मूसा, वाह जी वाह, ओ आदम, बोला कहीं दीप जले, शम्मो, बिल्लू चौधरी, वाह भाई वाह, ये तो पूरा करियर। यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आर्ट को आर्ट के जरिए सराहना बनता है, और मेरी आपके लिए दुआ है, आपके लिए जो बेहतर है खुदा ताला आपको वो मुयस्सर करे, और जो आपको चाहिए अगर आपके लिए बेहतर नहीं है तो उसको बेहतर बना दे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओए ओए मुंडे दा सूट, नौकरी पहले मिल गई ना। नाम सर? मोहम्मद जनीक। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं सिंगिंग का शौक भी रखता हूँ और खुद से लिखता भी हूँ, शायरी भी करता हूँ। माशाल्लाह, मैं आप लोगों की नजर एक अपनी गजल रखना चाहता हूँ, पंजाबी की गजल है। मेरे दिल दा सज्जन छड़ गया मैनू, मेरे दिल दा सज्जन छड़ गया मैनू, रोग अंदरों अंदरी वड़ गया मैनू, पर हिजर मैं तेरा तवाफ नहीं करना, जा इश्क तेनू मैं माफ नहीं करना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जा इश्क मैं तेनू माफ नहीं करना, आपे मुंह तो मैं साफ नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं इधर का कब्जा लेने आया हूँ। और कब्जा जमीन का नहीं, वो दरवाजे को लगता है 2 इंच का, वो लेने आया। जी भाई नाम? सर मोहम्मद हसन। क्या कहना चाहते हैं? मैम शाजिया की तारीफ करना चाहूँगा कि मैम शाजिया के ना मेरे घर वाले सारे बहुत 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 बड़े फ़ैन हैं, और मैम मैं आपसे कहना था आपने इतने हिट सॉन्ग्स दिए हैं, तो आपका अपकमिंग कोई ऐसा सॉन्ग आ रहा है जो हमें सुनने को मिलेगा इन फ्यूचर? बिल्कुल, बहुत जल्दी आ रहा है, थोड़ा सी अस्थाई भी सुना देती हूँ। मैं साढ़े हाल ते तरस ना खावे, भला होवे यार तेरा वे झूठे लारे मुकद्दरा लाए, भला होवे यार तेरा तेरे प्यार दे इंतजार दे अतबार, वे तेरे प्यार ने रोग डाडे लाए, भला होवे यार।
ज्ञान भाई, आप सारों के काम को इतना सराहते हैं, सबको इतनी इज्जत देते हैं, तो आज मैं जो हूँ ना, सारों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सारे आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन एक भी है। आप जितना प्यारा काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, तस्वीर रखें प्लीज, बैठे आपका बहुत ये तस्वीर रखें, आप तस्वीर रखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन खुदारा अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरे मुल्क की यूथ ऐसे खड़े होकर मेरा स्टैंडिंग ओवेशन मुझे दे। मेरे लिए दुआ करें कि मैं ऐसा कोई काम कर सकूं कि आप खड़े हों तो मुझे खुशी हो। इंशाल्लाह नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शाजिया जी। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी थैंक यू सो मच। आपके लिए दुआ है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की ये दुआ है कि खुदा करे कि आपकी आंख में कभी आंसू ना आए। आमीन सो आमीन। और मैं आप सबका, आपकी पूरी टीम का, मेरे सामने ये जो बड़े फनकार बैठे हैं इनका, और ये हमारे म्यूजिशियंस, और ख़ास तौर पर ये जो बच्चे आज आए हैं, यूथ हमारी आज बैठी है, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे आपने इतने अरसे तक सुना, तो सुनदिया रहना इंशाल्लाह।